अगर okay, so कुछ ऐसे थंबनेल्स तुम इवन अपने मोबाइल डिवाइस से भी क्रिएट कर सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक में एआई की हेल्प से। ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरे इस वीडियो के व्यूज को ध्यान से देखो एंड देन इसके रीच एंड क्लिक थ्रू रेट को भी ध्यान से देखो। नाउ जस्ट इमेजिन इफ मैंने इस थंबनेल पर थोड़ा और वर्क किया होता देन मे बी सीटीआर और इंक्रीज हो गया होता एंड इसकी वजह से व्यूज डबल इवन ट्रिपल भी हो सकते थे। नाउ एज एन एग्जांपल मेरे इस वीडियो के थंबनेल को उठाओ, इधर मैंने 3D एनिमेशन का यूज करके इसे क्रिएट किया है बट AI की हेल्प से हम सेम इवन इससे बेटर थंबनेल वन क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। ब्रो इफ तुम ये 3D एनिमेशन करके अपने थंबनेल्स बनाने का सोच रहे हो देन भूल जाओ, कॉज मुझे ये सीखने में लिटरली 2-3 घंटे लगे थे। ये सिर्फ कैमरा एंगल सेट करने में, कॉज बाकी चीजें मैंने गूगल से ही उठाई थी। बट डोंट वरी ब्रो, कॉज विदाउट 3D एनिमेशन तुम स्टिल ऐसे इमेजेस जनरेट कर सकते हो AI की हेल्प से एंड ये सच में काफी ज्यादा इजी है। ओके ब्रो, इमेज जनरेट करने के लिए हम बिंग एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ऐप को ओपन करते ही हमें इमेज क्रिएटर का ऑप्शन मिल जाएगा, हमें इस पर क्लिक करना है एंड अभी हमें एक्सप्लेन करना है दैट हमें कैसा एनिमेटेड इमेज चाहिए। ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, देन मैंने बैकग्राउंड को भी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास 4 ऑप्शंस जनरेट हो जाएंगे, हम इनमें से कोई भी डाउनलोड करके अपने थंबनेल के लिए यूज कर सकते हैं। बट ब्रो इस ऐप में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, विच इज ये ऐप इमेज जनरेट करता है स्क्वायर शेप में एंड हमारे थंबनेल के लिए ये परफेक्ट नहीं रहने वाला है। बट डोंट वरी ब्रो, कॉज AI की हेल्प से ही हम इस 1:1 इमेज को 16:9 के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सो ये करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने थंबनेल के साइज का एक कैनवस जनरेट किया एंड देन इसके ऊपर अपनी एनिमेटेड इमेज को पेस्ट कर दिया एंड देन इस इमेज को सेव कर दिया अपने मोबाइल डिवाइस में। नाउ मैंने ब्राउजर में Adobe Firefly वेबसाइट ओपन किया, यहां पर हमें काफी ज्यादा अच्छे AI टूल्स मिल जाते हैं। अभी हम जनरेटिव फिल का यूज करेंगे अपने इस ब्लैंक कैनवस को फुलफिल करने के लिए। वेल हमें जस्ट यहाँ अपनी पिक्चर अपलोड करनी है एंड देन इसके ब्रश टूल की हेल्प से ब्लैंक पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड जनरेट पर क्लिक करते ही हमारे पास ढेर सारे जनरेटेड इमेज आ जाएंगे, हम किसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे डाउनलोड कर लेना है एंड बस हमारी एक परफेक्ट थंबनेल एनिमेटेड इमेज जनरेट हो चुकी है। अब तुम माइनक्राफ्ट में ही नहीं किसी भी जॉनरा में इसे जनरेट कर सकते हो एंड यस AI की हेल्प से तुम काफी ज्यादा अच्छे थंबनेल्स बना सकते हो। Alright, that's it for today's video. If तुम्हें इस वीडियो के किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो देन तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उधर तुम्हें सॉल्यूशंस रिप्लाई जरूर करूंगा एंड इफ यू वांट टू मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, वहां पर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा तुम्हें सारे सॉल्यूशंस बताने का एंड तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो तुम लाइक जरूर से कर ही दोगे। अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज करने जा रहे हो तो फॉलो भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू so much for watching. Bye.